बारिश है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो जा रहा है सबका पकड़ा कर गया, गंदा पोपट हो गया। क्या जा रहे इस बार? गंदा पोपट। ऑल राइट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे एक छोटे से राइड पे। राइड जो होने वाला है आज का, वो होने वाला है बारवी डैम। एग्जैक्टली लास्ट टाइम जो लोचा हुआ था हम लोग के साथ, बारवी डैम ना जाते हुए हम लोग गए थे लोनावाला, आज वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं अरे यार ट्रैफिक, एक ट्रैफिक क्रॉस कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। और हम निकल, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम कि मेरे पास माइक का शॉट था, तो कुछ ऐसा जुगाड़ किया है मैंने माइक का, जो आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वो मैं आवाज़ फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आवाज़ का एडिटिंग में देख लेंगे। यार जुगाड़ू लोग हैं जी हम। आज मेरे साथ राइड पे ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट फैमिली है, मतलब मेरे सिस्टर्स, मेरे खास दोस्त और एज यूजुअल कैप्टन। गाड़ी में फ्यूल तो ना के बराबर है जैसे कि देख पा रहे हो आप, फ्यूल अप करना है जी। रुक जाओ सेठ, रुक जाओ, जाने दो हमें। ओ माई गॉड, ये ट्रैफिक के बारे में मैं सोचा ही नहीं। आज हम लेट निकले हैं और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है यार, तो कुछ प्रॉब्लम तो होने से रहा। लेट्स सी क्या क्या होता है आज। और कैप्टन जो है यहाँ पे रुकने वाले थे, देखते हैं यहाँ पे रुके हैं कि नहीं। एग्जैक्टली ये रही अपनी आज की गैंग। ओ राइडर, जैसे कि है ये है आज का अपना स्क्वाड। आज साथ में है एवेंजर 220 क्रूज, एवेंजर 220 स्ट्रीट और एज यूजुअल एफजेड। चाचा की धन्नो, आज मेरे साथ है आकाश, जिसको आपने अलीबाग के राइड में देखा होगा। और ये है कैप्टन, ये है मेरे छोटा भाई विश्वास, और ये दोनों भी मेरी बहन है। आज का जो प्लान है वो होने वाला है बारवी डैम। अभी चलो, वक्त से बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे, निकलते हैं और रास्ते में बात करते हैं। लेट्स गो। चलो आकाश, और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स गो। अभी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे करना है रिफ्यूल, मतलब सबके गाड़ियों में पेट्रोल है यार, मैंने ही रिफ्यूल नहीं किया है। राइट सेफ भाई, आराम से चल भाई। ना आज जो प्लान है उसके हिसाब से हम लोग मतलब भगाने वाले है नहीं, मतलब एकदम 0% चांस है कि हम लोग मतलब स्पीड अप करेंगे, खुश करेंगे। जो गाड़ी निकलेगा एकदम प्यार प्यार से गाड़ी निकलने वाला है। मैंने भी टाइम पे सिग्नल क्रॉस कर लिया, अभी यहाँ से स्टार्ट होगा अपना एरोली का ब्रिज। अभी रिफ्यूल करना है यार। रोड का जो इम्पोर्टेंट राइट है, यहाँ से कल्याण बदलापुर, मतलब यहाँ से एग्जिट है मुंबई का। ऑल राइट, अभी एक किस्सा हो गया है मेरे साथ। किस्से में ऐसा हुआ है कि जितना भी मैंने बड़बड़ किया है वो आवाज़ ही नहीं आया। लो कर लो बात, कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट किस्सा नहीं था। मैं मतलब उस ऑडियो में मैं इतना बता रहा था कि हम लोग बस रास्ता भटक गए, पेट्रोल के लिए थोड़ा मशमश हो गया, मेरा बैग मेरे छोटे भाई के पास था और छोटा भाई आकाश से गाड़ी पे था, और हम दोनों आगे पीछे थे, तो और ट्रैफिक इतनी भयंकर, ओ माय गॉड, एकदम भयानक लेवल की ट्रैफिक थी। अभी आगे से एक टोल नाका आएगा, टोल नाका से है एक राइट, देन वहाँ से होगा बदलापुर का रोड चालू। अभी आकाश मेरे पीछे है, कैप्टन आगे है, और बस सफ़र तो निकल ही, पेट्रोल भी भर लिया है, गाड़ी एकदम आराम से जाएगी और आ भी जाएगी, और कुछ टेंशन नहीं होने वाला। अभी बदलापुर के लिए जो इम्पोर्टेंट राइट था, राइट अभी हमने ले लिया है,
मैं अभी लीड में कर रहा हूँ, मेरे पीछे है आकाश, आकाश के पीछे है कैप्टन, और रोड तो एक नंबर है यहाँ का। मतलब जब लास्ट टाइम जब आया था ये कंस्ट्रक्शन में था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी मतलब अच्छा खासा बना लिया इन लोगों ने। और रही बात मौसम की, तो भाई साहब क्या गजब मौसम है, कोई बोलेगा ही नहीं कि 2 बजे एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, आते टाइम 2 जगह पे एकदम हैवी रेनफॉल मिला, उसकी वजह से मैं कम्प्लीटली वेट हूँ, मतलब कम्प्लीटली भीग गया हूँ। ओह माय गॉड, आकाश तो राइडर बन गया है, कैप्टन पीछे है और विश्वास फुल मजे ले रहा है। और बारिश में जो राइड करने का मजा है ना, एकदम अलग लेवल, जो फीलिंग है ना यार, एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग। और ऊपर से स्पीड में अगर आ रहे और आए ही जा रहे हैं, ये इतना आई थिंक एक राइड है यार, वो राइड हम लोग मतलब वो लेना चाहिए, अगर वो राइड मिस हो गया ना यार, वांदे लग जाएंगे। क्या बोलते आकाश, कूटे तू मागा से ना जवर है, तो वेल गुड, कुछ मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ अब तक। और बारिश में भाई गाड़ी चल रही है, और ये आकाश, और आकाश भी चल रहा है भाई साहब, और आपका इकुलता एक सचिन आठवले गाड़ी चलाते टाइम ब्लॉक कर रहा है, गाड़ी चलाते टाइम ये मतलब भाई जो भी कर रहा हूँ एकदम एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ भाई, प्रोफेशन से फोटोग्राफर हूँ, तो ये सब करने का भाई बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाई हम लोग को, तो कुछ मतलब टेंशन की बात ही नहीं है। और रोक सर जो रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, रिकॉर्ड अच्छे से हो रहा है। दिखता है बारवी डैम का एकदम नेचुरल और प्योर व्यू। और यहाँ पे इन लोग ने बारिश का पानी छोड़ा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी हम अंदर भी जा पाएंगे करके। भाई हो गया ला पचका, ये ही है वो डैम बारवी डैम, पानी नहीं छोड़ा यार। पानी ही नहीं छोड़ा है बे इन लोग ने, यहाँ पे जो जो रहा है सबका बकरा गड़ गया। बारवी डैम ने ऐसा चूना लगा था, इन लोग ने पानी ही नहीं छोड़ा, सब मजाक उड़ा रहे लिटरली। ये भाई इधर आने के लिए जितना हसल किया मतलब कुछ उपयोग ही हुआ नहीं उसका, मेहनत वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट। हम लोग लास्ट मोमेंट तक हम लोग का प्लान बन रहा था कि भाई माथेरान जाते, लेकिन मेरे में चुल थी भाई बारवी डैम ही जाना है। गंदा पोपट हो गया, क्या जाने विश्वास, गंदा पोपट राइट। एकदम कड़क में एकदम 3 वड़ापाव खाया हो मैं, और आकाश ने 2, भाई एक ही खाया, 2 खाया एक ही खाया भाई। अच्छा तो आकाश भाई अपना एक ही वड़ा पाव खाया। अभी सीन ऐसा है कि डैम में पानी है ही नहीं, बैठ के वड़ा पाव खाया, उनसे पूछा तो वो बोल रहे कि यहाँ से जो रास्ता है यहाँ से सीधा सीधा जब आप ऊपर जाओगे ना तो ऐसा आएगा, वहाँ पे पूरा डैम का व्यू देखेगा। लेट्स सी
क्या होता है कि अपनी वहां पे पार्क है। और एक जगह तो रुके हम लोग जस्ट नाउ, ये रास्ते में इतना ब्यूटीफुल लोकेशन दिखा है, सामने माउंटेंस है, माउंटेंस पे क्लाउड जमा हुआ है और ये ब्यूटीफुल लेक और चारों तरफ ग्रीनरी। विश्वास हाउ आर यू विश्वास विश्वास हाउ आर यू। अरे बाप रे, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। विश्वास से बारिश हो रही है कंटिन्यू, हम लोग भीग रहे हैं यार, पे हालत खराब हो गई है। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही दूर है, फिर से 15-20 मिनट तक पहुंचूं जो वापस। सचिन ने हम लोगों को बारवी डैम लेके गया। अच्छा, दो दो वड़ा पाव खिलाया। हाँ, वापस कहना है विश्वास हाउ आर यू। जाम झालाय तो एकदम काय झालं म्हणशील मी। चलो लेट्स गो, घर पे जाते। सब लोग चाय पी रहे इंक्लूडिंग मे भी, कैसे कैसे व्लॉग कर रहे हैं हमको ही मालूम है। चलो चाय पीते। अरे देखो मौसम भाई, और ऐसे कैसे तैसे हम आज रस्ते में पहुंच गए। मेरे बहने इतना मजाक उड़ा रही मेरा, अभी क्या ही कहूँ। और बारिश है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। खैर अभी कैसे कैसे यहाँ तक पहुंच के, अभी डायरेक्ट घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और मेरा बैटरी भी ओनली 5% बचा हुआ है। तो कम ऑन, ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे, चलो मिलते हैं ऐसे। चलो यहाँ पे बहुत शोर है, मिलते हैं अगली आगे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।